यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बरेली के सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल रही। इस दौरान पूरे जिले के बैंकों में ताले पड़े नजर आए। आपको बता दें कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है, जिसके तहत पूरे देश के बैंक कर्मी दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन गुरुवार को हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने बैंकों के बाहर बैंक में हड़ताल के पोस्टर भी लगाए। प्रदर्शनकारी सरकारी बैंक कर्मियों का कहना है कि अगर बैंक का निजीकरण हो जाएगा तो आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।